हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे थॉमस मैलरी एंड जॉन स्केलेटन की, द टू लिटरेरी फिगर ब्रिज द गैप बिटवीन द मिडिवल एज एंड द रेनेसा। तो ये जो दोनों राइटर हैं, ये एक तरह से मिडिवल पीरियड था, टाइम पीरियड था, उसके बाद में आते हैं और रेनेसा से पहले आते हैं। तो दो टाइम पीरियड है, उनके बीच में एक तरह से ब्रिज बनाते हैं ये। तो इनका लिटरेरी स्टाइल है या जो टाइम पीरियड है, वो ना तो रेनेसा के टाइम में आता है ना ही मिडिविल में, दोनों के बीच में आते हैं। दे आर सर थॉमस मैलरी द ऑथर ऑफ ला मोर्टे डी ऑर्थर। इनका ये वर्क है ला मोर्टे डी ऑर्थर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, काफ़ी फेमस है ये, इसी एक ही वर्क की वजह से फेमस है ये। एंड द फर्स्ट पोएट लॉरिएट, जो जॉन स्केलेटन है उनको फर्स्ट पोएट लॉरिएट भी बोलते हैं। इन दियर एंटायरली सेपरेट वेज दे मेड अ डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड टू द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर थॉमस मैलरी के बारे में। इनका लाइफ स्पैन है 1415 से 1471 सेंचुरी। सर थॉमस मैलरी वॉज एन इंग्लिश नाइट ड्यूरिंग द वार ऑफ रोजेज, बेस्ट नोन फॉर हिज हाईली इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ मिडिवल लिटरेचर ला मोर्टे डी ऑर्थर, रिगार्डेड एज द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। इसको ना फर्स्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश भी माना जाता है। वैसे तो जो सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है, उसको बोला जाता है फर्स्ट नॉवल, पर कुछ लोग इसको भी बोलते हैं। द फर्स्ट इन वेस्टर्न लिटरेचर एंड द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ द आर्थरियन लेजेंड। मेलरी रोट द बुक वाइल इन प्रिजन फॉर वेरियस क्राइम। तो मेलरी प्रिजन में थे तब इन्होंने ये बुक लिखा था। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि दो तीन वर्क और भी राइटर हैं, कि ये वर्क कौन कौन से वर्क हैं जो प्रिजन के टाइम पीरियड में लिखे गए हैं। तो ला मोर्टे डी ऑथर है, ये प्रिजन में लिखा गया था। वेरियस क्राइम, कुछ लोग बोलते हैं कि रियली इन्होंने ये क्राइम किए थे, कुछ इमेजिन भी बोल सकते हैं, रॉबरी है या एक दो और है। कंप्लीटिंग इट इन 1469 में इन्होंने कंप्लीट किया था, और 17 में ये जेल से बाहर आए थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो जो इनका वर्क है, ये इसका ओरिजिनल टाइटल जो मैलरी ने लिखा था, सर थॉमस मैलरी ने लिखा था, वो टाइटल था द होल बुक ऑफ किंग आर्थर एंड ऑफ हिज नोबल नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। पर जब विलियम कैक्सटन ने 1485 में जब इस वर्क को पब्लिश किया, तो बाय मिस्टेक एक तरह से जो इसका लास्ट चैप्टर था, ला मोर्टे डी ऑथर, मतलब द डेथ ऑफ आर्थर, उसके नाम से इसको प्रिंट कर दिया। और एक बार जब ये पब्लिश हो गया तो बहुत पॉपुलर हो गया, और ये टाइटल स्टक हो गया एक तरह से। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से फिर इसको इसी नाम से जाने जाना लगा। लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल था, वो था द होल बुक ऑफ किंग आर्थर एंड ऑफ हिज नोबल नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, और इसी की स्टोरी इसमें बताई गई है। तो हम बात करते हैं इसके वर्क की। ला मोर्टे डी ऑर्थर टेल्स द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ किंग आर्थर, द एडवेंचरर्स ऑफ हिज नोबल नाइट्स इन देयर क्वेस्ट फॉर द होली ग्रेल, एंड द लव अफेयर बिटवीन आर्थर्स क्वीन ग्वेनवर एंड हिज बेस्ट फ्रेंड एंड चैम्पियन लैंसलॉट ड्यू लैक इन द प्रेजेंट डे। द वर्क इज डिवाइडेड इंटू 21 चैप्टर्स। इसमें क्या था, जब इसका ओरिजिनल पब्लिशर है विलियम कैक्सटन, उन्होंने जब इस बुक को लिखा, उन्होंने तो इसको बुक नाम दिया, मतलब बुक्स, 21 चैप्टर्स, बुक्स नाम दिया। लेकिन जो मैलरी थे, उन्होंने 8 वॉल्यूम में लिखा था, और इनको टेल्स बोला था, बुक नहीं बोला था, टेल्स बोला था, और 8 वॉल्यूम में थी, और विलियम कैक्सटन ने 21 में कर दिया इसको, 21 चैप्टर्स। एक्सेप्ट फॉर द फिफ्थ अबाउट द नाइट ट्रिस्टम, बिल्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, डेवलप्स द कैरेक्टर्स साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल मोटिवेशंस एंड एडवांसेस द नैरेटिव। इट इज फॉर दिस रीजन दैट ला मोर्टे डी ऑथर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश एंड द फर्स्ट इन वेस्टर्न लिटरेचर। अब हम उसके बाद बात करते हैं जॉन स्केलेटन की। जॉन स्केलेटन का लाइफ स्पेन था 1460 से 1529। इंग्लिश पोएट एंड ह्यूमनिस्ट, ट्यूटर टू प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी जो बाद में हेनरी 8 हुए थे, उनके ये ट्यूटर थे। इन 1512 ही बिगेन टू कॉल हिमसेल्फ रॉयल ओरेटर, अ पोजिशन दैट मे हैव बीन कन्फेरेड बाय हेनरी 8, रिक्वायरिंग दैट स्केलेटन कैरी ऑन सम रॉयल correspondence and write occasional official poems. He falls between clearly identified periods like medieval and renaissance. तो ये पहले भी हमने बात की थी कि ये मिडिविल और रेनेसा पीरियड के बीच में आते हैं। ही डज नॉट फिट इन ईजिली इधर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पोएट्री ही रोट, बट ही इज वन ऑफ द ग्रेट एक्सपेरिमेंटर एंड वन ऑफ द फनीएस्ट पोएट इन इंग्लिश।
एक तरह से इनका जो लिटरेरी स्टाइल था या जिस सब्जेक्ट पे ये पोइट्री लिखते थे वो भी यूनिक था। जैसे इन्होंने एक पेट के ऊपर एलिजी लिखी है, पेट की डेथ को मॉर्न करने के लिए, या काफ़ी कुछ इनका जो सब्जेक्ट था वो फनीएस्ट भी था, और जब आप नए सब्जेक्ट के बारे में लिखते हो तो एक तरह से एक्सपेरिमेंटर भी बन जाते हो। ही रोट अ लॉन्ग एलिगोरिकल पोएम द गार्लैंड ऑफ लॉरेल 1523, बट इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज स्कैथिंग एंड ऑफन ऑब्सीन सटायर ऑन द कोर्ट द कलर्जी एंड द कार्डिनल वॉल्से द बोज ऑफ कोर्ट। ये वर्क था 1499 में। स्पीक पैरेट ये 1521 में आया था। कॉलिन क्लाउड 1522 में। कॉलिन क्लाउड जो 1522 में है, एडमंड स्पेंसर जो इनके बाद आए थे उन्होंने इस वर्क से इन्फ्लुएंस लिया है। उनका वर्क है कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन। कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन, तो एक तरह से इसी से इन्फ्लुएंस मिला है एडमंड स्पेंसर को। उन्होंने वर्क लिखा है कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन एंड व्हाई कम ये नॉट टू कोर्ट, ये इनके वर्क हैं। एंड द मोक डज फिलिप स्पैरो, द टू मेजर पोम्स फ्रॉम दिस पीरियड आर फिलिप स्पैरो। इसमें क्या है कि अ लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ यंग लेडीज पेट, एक यंग लेडी के पेट को, जो स्पैरो है वो उसका पेट है, उसकी डेथ को मॉर्न किया गया है। बट ऑल्सो ए लंपून ऑफ द लिटर्जिकल ऑफिस फॉर द डेड एंड द, और जो दूसरा वर्क है वो है वेयर द हॉक एन एंग्री अटैक ऑन एन इररेवरेंट हंटिंग प्रिस्ट हु हैड फ्लोन हिज हॉक इन टू स्केलेटन्स चर्च। इन 1516 ही रोट द फर्स्ट सेक्युलर मोरेलिटी प्ले इन इंग्लिश मैग्निफिकेंस, ये एक मोरेलिटी प्ले माना जाता है, सॉरी मैग्निफिकेंस, अ पॉलिटिकल सटायर। मेनी ऑफ हिज वर्क्स आर रिटन इन वर्स फोरम ही हिमसेल्फ डिवाइज्ड कॉल्ड स्केल्टोनिक्स। दे कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट लाइन्स एंड इंसिस्टेंट राइम्स समटाइम्स रिपीटेड थ्रू सेवरल सेट्स ऑफ कपलेट्स। दे ऑल्सो एम्प्लॉय एलिट्रेशन। तो ये थॉमस मैलोरी और जॉन स्केलेटन कंप्लीट हो गए हैं। इतने ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।